देखा जो अभी अभी उस महिला बुजुर्ग महिला का वो कह रहे कि ये दोनों महिला ऐसा है, मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया था इनके परिवार वालों के साथ से। अच्छा, तो उन्होंने एक मिनट भाई वजह से वो सारी दुनिया का ठेका रखा है इन्होंने। नहीं वो तो देखो किसी का गलत होगा तो कोई ना कोई गलत करा होना, तो देखना आया था। अब हम भी तो आए हैं ना, तो देखना आया था। आपके सामने माइक है, आप बोलिए। आपके सामने माइक है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। तरीका नहीं पता कि आप दर्पण उपल के साथ कैसे बोल रहे हैं। आपको बोलने का भी तो कम से कम सेंस होनी चाहिए। आपके सामने माइक रखा है, आप सहजता से बात कर सकते हो ना। आप गलत ही नहीं है तो फिर आप अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप गुस्सा, आपने बीच में जान से मारने की धमकी दी है। आप ये देखिए, आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो। मैं तेरे घर में जाकर सांग कर दूं, क्या करेगा? मेरे तो मिठाई खड़ा होगा। हालात तो समझो कम से कम। आप हालात तो हमारे लाभ क्या कर रखे ना, मैं फिर भी समझूं तो आप जो मेरे गला बीत रही मैं समझूं बात ना। मुखिया है, मुखिया मुखिया तो जा लिया तो वो तो यहाँ से जाना चाहती हैं। बोल के दोनों घर में आ गए, मैंने करके बिचरना पड़ा दंदा क्या करता धक्का, मेरे तो धक्का मार के बिचर पड़ जाती है। मैंने इज्जत मान सम्मान से इनको बिठाया, कह रही मैं तेरी माँ की स्टूडेंट हूँ, पानी पत्थे पढ़ती हूँ, मैं तेरी माँ को मिलना है। मैंने फिर वहाँ जाके आश्वासन दे रही है कि मैं माता जी आपके लिए मैं वो बर्फी का डब्बा ले आऊंगी, मिठाई ले आऊंगी। क्या तू रिश्तेदार है हमारी? अब पीछे जाके ये इन्होंने स्टेप उठा लिया है, यानी कि धोखाधड़ी है ये। धोखे से किसी घर में कुछ जो अच्छी बातें हैं ये तो आपकी माता ने कुछ उन्होंने क्या दिया है मेरे को पता था। तो आपकी माता ने जो है वो कैमरे पे भी तो ये बात, चलो उससे जाके पूछ लो फिर, मेरे सिर पे कुछ चढ़ने लग रहा था, मुझसे जाके पूछो फिर, जाओ कोई बात नहीं। चलिए तो ये बात है, ये अपना पक्ष रखने के बजाय वो कह रहे हैं ठीक है आपको जो करना है आप करो, कोई टेंशन नहीं है, जो करना करो। तो ये जो है इस तरीके से वो बोल रहे हैं, यानी कि अपना पक्ष रखने के लिए फिलहाल उनके पास कुछ नहीं है। जिनकी शिकायत पर हम आए थे मैम, एक बार बता दीजिए जब आप यहाँ आए थे तब शुरू में आपने क्या देखा? थोड़ा जब हम यहाँ आए थे ना तो माता जी की हालत थोड़ी सी ढीली थी, वो बिस्तर पे पड़े थे। उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं टांगों से चल नहीं सकती, मुझे गठिए की प्रॉब्लम है, मेरी टांगे सुन हो रही हैं, तो मेरे को इलाज में भी नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ से जब बातचीत करके हम चले गए तो फिर माता जी से हमने नंबर लिया, माता जी ने मेरा नंबर लिया। उसके बाद से माता जी मेरे को लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं। मैं उनको कह रही थी माता जी हो जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। लेकिन उनकी एक ही बात थी, मुझे इस घर से निकालो, जब आप आओ मुझे इस घर से निकालो। वो इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने पूछा भी क्या दिक्कत है, कहते मेरे को बहुत सारी दिक्कत है। तो उन्होंने बताई इनका बेटा देखिए अब वो कैसे बोल रहा है। तो इसी तरह से मेरे ऊपर बहुत इनके परिवार का रिश्तेदारों का दबाव था, जिनकी वजह से मुझे ये उठाना पड़ा। फिर मैंने यहाँ माता जी ने मुझे एक एप्लीकेशन भी भेजी, वो एप्लीकेशन मैंने 6 सेक्टर की चौकी में भी जमा कराई, और मैंने वो एप्लीकेशन जो है मैंने जमा कराई हुई है, उनके पास है। और अब यह है कि जब हम यहाँ पे सब पहुँचे हैं तो इनका बेटा भी और पोता भी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं बहुत गंदा है, बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं जो कि बेयर नहीं हो सकती। और वो कहते हैं हम ये कर भी बाहर गलत शब्द इस्तेमाल, हाँ जी बहुत गंदे शब्द बोल रहे हैं मुझे, कह वो कह रहे हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और अगर ये कल को कुछ गलत करते हैं मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा इससे कोई तलक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ महिला की मदद, मैंने सिर्फ एक महिला एक बुजुर्ग महिला की मदद के लिए ये काम किया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और कल को ये कुछ होते हैं ये पुलिस खड़ी है, ये सब खड़े हैं, मैं सरेआम कह रही हूँ मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। माता जी ने रिक्वेस्ट की उनको यहाँ से निकालने के लिए किया, बाकी सब आप देख चुके हो, आप सब जानते हो। धन्यवाद। फिलहाल महिला को तो यहाँ से जाना चाहिए, उन्हें लेकर जाना चाहिए। देखो जैसा कि व्यवहार है, माता जी ने बार बार एक ही बात कही है मुझे नहीं लेके जाना, नहीं तो मुझे मार देंगे। नहीं यहाँ छोड़ना खतरे में हो सकता है। आज के दिन तो आप माता जी को लेके जाइए और इनको किसी आश्रम में किसी आशियाना में वहाँ छोड़िए ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो। तो अपने आशियाना में भी बात कर ली? हाँ जी। और जब माता जी ये कहती है की मेरे पोते जो है ये मकान मैं पोतों को देना चाहती हूँ, वो यहाँ रहना नहीं चाहती, उनको ना इस समय किसी से दिक्कत नहीं, वो कहती है मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती, जो इनका व्यवहार गलत है आप मुझे सिर्फ यहाँ से निकाल दो। तो आप उनको सिर्फ आश्रम में, हालत काफी बुरी थी जब अंदर जाके देखा, आप सिर्फ माता जी को किसी आशियाना में किसी आश्रम में छोड़ दीजिए, बस एक ये बात है और कोई बात नहीं है। और कल को ये कुछ भी करते हैं इसकी मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। जी 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 जी। आपका नाम मैम? अलका। अलका। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से जो NGOs यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने फिलहाल ये साफ तौर पर अपनी बात कही है कि जो महिला है उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो रो रही थी। और बीच में जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सेक्टर 6 से जो है इस समय जो IO हैं वो पहुँचे हैं और वो यहाँ पर पूरे मामले की जो है मामला उन्होंने सुना, और अब जो है आगे देखते हैं पुलिस इस बारे में क्या कार्रवाई करती है और फिलहाल महिला को यहाँ से किस तरीके से वो लेकर जाते हैं। तो उन महिला के साथ अलका जी के साथ जो आई थी मैम, मैम 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 एक बार बताएंगे आप उस दिन पहुंचे थे क्या कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? इनका नाम, आपका नाम क्या है? मैं अरुणा पवार। जी, जी। आप एज ए यहाँ क्या है?
मैं अर्बन मंडल से महामंत्री। किसकी अर्बन मंडल? ये अर्बन मंडल महिला मोर्चा। महिला मोर्चा किसकी? कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी, हाँ जी। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं अलका जी के पास आई हुई थी, ब्यूटी पार्लर में, सेक्टर 6। तो ब्यूटी पार्लर है? हाँ जी, सेक्टर 6। तो इनके साथ आई हुई थी, तो ये मैं कहने लगी आज हमारी एक मैडम है उनसे मिलने जाना, उनका मेरे पास फोन आया भाई उनसे मिलने जाना, तो मैं इनके साथ आ गई। ये बेटा था इनका, जो क्या नाम है बेटे का? मैं नहीं जानती सर, क्या नाम है जी बेटे का? तो इनके बेटे का नाम इन्होंने बताया कि उसको गौरव भी बोलते हैं, गौरव बोलते हैं कुछ। तो मैं इनके साथ आई, ये खुद मौके पे मौजूद थे हमारे पास, ये भी खड़े रहे, हमने दो चार बातें इन्होंने अपनी स्कूल की मतलब क्लास की तो बातचीत करके चले गए, बातचीत करके इनके साथ ही चले गए। हमने तो हमारे साथ मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई कि भाई ये पंगा, हमें कोई नहीं पता। फिर मेरे पास अगले दिन अलका जी का फोन आया, जो हमारी महिला मोर्चे की अर्बन मंडल की अध्यक्ष है, किस इस तरह करके बस बुजुर्ग महिला को दिक्कत है। तो हमने भाई इनसे कहा कि भाई कभी कुछ और बात हो देख लो। तो इनके पास सारी मतलब जो कॉल डिटेल है वो इनके पास सारी रिकॉर्डिंग है, इन्होंने खुद एप्लीकेशन लिख के दी। आज हमारे को यह सूचना मिली कि भाई पूरा महिला मोर्चा वहाँ इकट्ठा हो रहा, जिसमें साथ में हमारी जिला अध्यक्ष मीनाक्षी भिंडर जी भी, अर्बन मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी भी, और युवा मोर्चे के कुछ भाई भी यहाँ मतलब बहनें भी मौजूद थी। तब ये हंगामा होने लगा, ऐसे ऐसे करके उनकी स्पीच ली, मीडिया वाले आप भी पहुँच गए, आप लोग भी। तो अब ये दिक्कत आ रही कि आप लोग ये भाई जेवर ले गए, ये ले गए, हमारा कोई रोल नहीं, ना हमें इस बारे में कोई पता, ना हमें ना हमारी इनसे कोई मतलब कोई दुश्मनी। हमने तो एक समाज सेवा के आधार पर एक बुजुर्ग महिला की मदद करने के लिए, वो भी पुलिस साथ में थी, एप्लीकेशन के अंदर क्या व्यवहार दिखा आपने? बस हम क्या देखे, इनका बेटा बहू तो यहाँ थे ही नहीं, इनका पोता था, हमने तो उसको बेचारे को उसको ही समझाया, थोड़ी सी महसूस कर गया हमने तो। हाँ, उसने भी उल्टा सीधा बोला, अब ये लड़का है इनका बुजुर्ग महिला का, मैं कुछ कर लूंगा, जहर ला दो हम खाएंगे। पोते ने बोला, अब बेटे ने भी बोला उनके कि भी जहर ला दो हम खाएंगे। वो कहता मैं कहाँ से लाऊं, कहता है इस बुढ़िया ने हमें जीने लायक नहीं छोड़ा, हम इसकी सेवा करते हैं, अगर आप सेवा करते होते तो ये स्थिति ना होती, वो बाहर लोगों को क्यों कहती। विरिदा के बेटे ने आप दोनों पर आरोप लगाया कि जेवर ये निकाल करके ले गए और चोरों की तरह अंदर घुसे, जब आप घुसे थे तो क्या बेटा उस समय अंदर था? बेटा दरवाजे पे था, बेटा दरवाजे पे था, बेटे ने दरवाजा खोला, अंदर बैठा, बल्कि हमारे से चाय पानी कॉफी के लिए, जिसे गुरु कह रहे। हाँ जी, चाय पानी भी पूछा, मेरे से बातचीत की, हमसे बड़ी प्यार करते। आज इसी वजह से ही ज्यादा भड़क गए कि सच्चाई सामने आ गई। बिल्कुल जी, ऐसा ही हो सकता है कि सच्चाई सामने आने पे इंसान भड़क ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि वृदा जो है वो यहाँ से चाहती थी, एक मिनट ये अपना शियाना से बात करो जरा, वृदा चाहती थी कि उनको यहाँ से निकाल के किसी आश्रम में किसी ऐसी जगह छोड़ा जाए। वो कहती है मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मैं अपना जीवन जो अंतिम समय है वो मैं किसी ऐसी जगह व्यतीत करना चाहती हूँ जहाँ पे प्रभु सिमरन हो। तो हम भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद को आए क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर माता जी का, दिन के 8-10 फोन मेरे पास आ रहे थे और मैं उनको रोज कह रही थी माता जी कोई बात नहीं, माता जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम इनको रोक रहे थे, लेकिन आज पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे मीडिया के साथ, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैंने पहले पुलिस चौकी में भी इसकी रिपोर्ट दी है, आप सबके पास भी मैंने, इन्होंने जो माता जी ने एप्लीकेशन भेजी थी मेरे को लिख के वो आप सबको मैंने भेजी है, उसके बाद ये मैंने कदम उठाए, मेरे साथ सब लोग थे, लेकिन जब इनका व्यवहार देखा, इनके गाली गलौच देखे, फिर वो सब चले गए यहाँ से। लेकिन मैं आज इस स्थिति में यहाँ पर अपना ये बयान इसीलिए देना चाहती हूँ कि ये कहते हैं जेवर ले गए, हम इनका कुछ नहीं ले गए, आप हमारे साथ अंदर एंटर किया, आपको पता है आज क्या था, तो इसलिए ना हमने कुछ लिया ना हमारा कोई मतलब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा काम सिर्फ इस वृद्धा को, जेवर ले गए थे तो फिर इतने कंप्लेंट क्यों नहीं डाली इतने दिन से? देखो ये तो उनको होना चाहिए, तो ये है क्योंकि आज वो भड़के इसीलिए हैं कि सच्चाई सामने आई है, गालियां भी निकाली आपको, वो सब आपके सामने है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहती, वो सब आपके सामने है। जब कोई अच्छा काम करने निकलता है तो गालियां तो पड़ती हैं और अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी बहन का जो आज भी मेरे साथ यहाँ पे डट के खड़ी है, मैं धन्यवाद करती हूँ इस माता का जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ी है, और धन्यवाद आप सबका जो यहाँ इस समय को कवर कर रहे हैं और आप सब मेरे साथ हैं। मेरा इस मामले से पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, कोई पैसा टका कुछ मेरा किसी चीज का नहीं है, ना कोई किसी से दुश्मनी है, ये कुछ कल को करते हैं, मैं इसकी जिम्मेवार नहीं हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि आप इस वृद्धा को इसका अंत समय सुख शांति से बिताने दें, जहाँ ये वृद्धा रहना चाहती है उस आश्रम में इसको छोड़ें और ये वहाँ शांति से रहे। आपने तो सिर्फ ये कदम इस वजह से उठाया कि आपके पास यहाँ पर जो है, आप देख लीजिए फिलहाल देखते हैं जो अंदर वो वृद्ध महिला है उन्हें जो है फिलहाल अपना शियाना के आश्रम में जिस तरीके से बात हुई है कि उन्हें वहाँ लेकर जाया जाएगा,
जाएगा। और अब जो है अपना हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि वो इस नरक से ज़रूर निकल कर उस जगह पर रहें, क्योंकि जिस तरीके से आरोप उन्होंने पहले लगाए और बाद का जो आपने तस्वीरें देखी, नज़ारे देखे हैं हमारी कवरेज के अंदर, किस तरीके से गाली गलोच और दुनिया भर के गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल जो है उनके बेटे ने, उनके बहू ने किया, तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैमरे के सामने तो कम से बड़ा अधिकारी भी चुप हो जाता है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से ये बात अपनी रखी है कि गालियां गलोच की हैं और मीडिया के साथ गंदा व्यवहार किया है, तो इससे साफ तौर पर अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन सच है और क्या झूठ है, लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर दिख रहा है। तो आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें और हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें अभी यहाँ से लेकर जाया जाए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।